हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी रेडी टू लर्न विद रोमा तिवारी। टुडे आई विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 4, दैट इज अ पोएम रिटन बाय आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, एंड द नेम ऑफ द पोएम इज मदर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम? सो वी ऑल नो एपीजे अब्दुल कलाम, द वन हु इज राइटिंग द पोएम, द वन हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम इज द स्पीकर हियर, एंड ही इज एक्चुअली रिमेंबरिंग हिज मदर। What sort of images does the poem invoke in our minds? Okay, so when the poet says ki it was a full night, my world only you knew my mother, फिर वो याद करते कि कैसे उनकी मदर उनकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढी लेती थी, उनका हर दर्द मिटा देती थी। सो इट गिव्स अस अ इमेज ऑफ सेल्फलेस मदर, अ लेडी हु इज ऑलवेज रेडी टू सेक्रीफाइस हर ओन कम्फर्ट फॉर हर चिल्ड्रेन। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, वॉट मेमोरी डज द स्पीकर हैव फ्रॉम हिज चाइल्डहुड? तो वह एक मेमोरी याद करते हैं जब वो आधी रात में गिर जाते हैं और उनके घुटने में चोट लगने की वजह से वो रोने लगते हैं, देन उनकी मदर ही थी जो उन्हें सहला करके पुचकार करके उनको जो है चुप कराती है, ठीक है, उनका दर्द मिटाती है। हाउ डिड स्पीकर्स मदर टेक केयर ऑफ हिम? ओके, अच्छा यहाँ पर आप साइकोलॉजिकल कर सकते हो, इसको साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन इस क्वेश्चन का कर सकते हो, दैट द लव केयर एंड द फेथ ऑफ हिज मदर गेव हिम अ स्ट्रेंथ, ओके, टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फेयर। ऑलराइट, मींस द लव केयर एंड फेथ ऑफ हिज मदर बिकेम हिज स्ट्रेंथ, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट स्ट्रेंथ ही वॉज एबल टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फियर। ओके, सो दिस वॉज द आंसर। स्टूडेंट्स, मैंने डिस्कस कर दिया है, ओके, एंड यू जस्ट ट्राई टू फ्रेम योर आंसर्स, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन आंसर्स। ऑलराइट, एंड व्हेन यू ट्राई टू राइट डाउन द थिंग्स ऑन योर ओन, इट गिव्स यू चांस टू इम्प्रूव योर ओन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, इट विल एनरिच योर वोकैबुलरी, इट विल हेल्प यू इन कॉम्प्रिहेंशन एज वेल। Okay, so students, keep learning, keep loving my channel, and keep loving literature. God bless you all. Thank you.